नाउ इट्स माय टर्न. अब मैं भी देती हूँ खुशबू खाना. मुझे कीर्ति का एक और बर्थडे गिफ्ट है. क्या ये? ओ, इसमें आ रहा है बजाज वाली साइकिल पे. अगर हम लॉस्ट हो गए तो? ये लोग आते हैं बाहर सोने. एक हम चांद का टुकड़ा भी लेके आए हैं. कहाँ है वो चांद का टुकड़ा? ये रहा सूरज का टुकड़ा. अजय ये जो टुकटुक वाले बैटरी वाले रिक्शा. ओए लखनीत. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स. आज हमारा डे टू इन डे थ्री इन थाईलैंड और हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग करने सुबह सुबह के टाइम. हम लोग सब रेडी है. ये व्यू आप देख सकते हो हमारा प्राइवेट पूल जिसको मैं समझ रहा था. ओके नीतू रेडी हो गई है. वैसे नीतू आ जा यार जल्दी आ. एक्चुअली यहाँ पर साइकिलिंग फ्री में कर सकते हो आप. साइकिल यहाँ पर इसी रिजॉर्ट की खड़ी हुई है और जो पास वाला गाँव है ना, तो हमने सोचा हम वहाँ तक जाएंगे साइकिलिंग करते हुए और एक्सप्लोर करेंगे कितनी चीज़ें हैं वहाँ. सुस्तों के रूम में देखता हूँ क्या हो रहा है. मैडम यू चेक आउट मैडम यू चेक आउट. अरे तुम दोनों उठे क्यों? साइकिलिंग करने चल रहे हैं भाई हम. तुम पागल हो दोनों के दोनों. तुम्हें इतने पहले नीतू ने उठाया यार. क्या हो तुम लोग? धीरे उठ यार. बहन सुन धीरे लेट हो जाएंगे फिर. तुरंत पर साइकिल वेट कर रही है बाहर हमारा. ऐसे ही आ जाए यार बिना नहाए धोए. यार दीदी यार साइकिलिंग करना है फिर आके नहाएंगे ना. जल्दी आ. ओए जल्दी उठ यार. पूनम मैन हद होती है यार किसी चीज की. पूनम मैन जल्दी उठो यार. सुनो हम साइकिलिंग करने चले. बिल्कुल टाइम नहीं है अपने पास. यार हद होती है यार. तुम्हें नीतू ने फोन करके नहीं उठाया अभी? झूठ बोल रही हो? अरे उठो यार जल्दी. तुम आओ ऐसे ही आ जाओ यार. अब टाइम मत लगा ना बाहर साइकिल. पता है हमें 9 बजे यहाँ से निकलना है. 8 तो बज गए यार. अभी सोच रहे पास वाले गाँव तक होके आएंगे. ये देख लो बहन अब भी उठ नहीं रही भाई. बहुत ढीट है यार दीदी. तू सच्ची बता रहा हूँ तेरे को. उठ रहा है ना? कब उठ रहे हैं? बॉडी को एक मिनट तो लगता है ना उठने में. तो एक मिनट क्या? 2 मिनट से तो मैं व्लॉग ही बना रहा हूँ यहाँ पे. उठ उठ खबरदार. तू पागल जल्दी चलो जल्दी उठ. नीतू नीतू को भी बताता हूँ मैं. नीतू कुछ जिम्मेदारी दो. वो काम पूरा नहीं होता. फायर एग्जिट यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं. फायर यहाँ पे लग जाए तो क्या होगा? अच्छा आपने हमारे पहले वाले दिन वाले व्लॉग में देखा था कि पासपोर्ट छूट गया था नीतू का. तो किसी ने पूछा कि इन केस अगर ऐसा हो जाता तो आप बताना आपको पासपोर्ट कैसे मिला. तो एक्चुअली पासपोर्ट उसका फ्लाइट में ही था और फ्लाइट के अंदर उसको जाने नहीं दिया. वो जैसे ही पहुंची फ्लाइट के बाहर खड़े होते ना लोग, उन्होंने सीट नंबर पूछा. वो फ्लाइट पर मतलब अंदर खुद गए. उन्होंने फिर देखा तो उनको पासपोर्ट मिल गया. उन्होंने लाके नीतू को दे दिया. तो ऐसा होता है. इसके बाद वाला प्रोसेस अगर कहीं आप दूसरे देश में घूम रहे हो और पासपोर्ट खो जाए तो आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना होता है एज सून एज पॉसिबल, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा. तो आप किसी भी कंट्री में हो इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहना हमेशा. अब इसको बताता हूँ. चल भाई तुषार तू रेडी है ना? आ जाओ दोनों तुम. नीतू ये रेडी हैं? तो सो ही रही थी दोनों वो दोनों. तो यार अपना 9 बजे का चेकआउट है यहाँ से. हमें आज बैंकॉक जाना है. तो नीतू ने सही बोला कि इनको बोल दो कि आए ना. मतलब ये बस उठ के तैयार हो जाए टाइम से. इनका वही एहसान होगा हमारे ऊपर. हम लोग चलते हैं बाकी के. सुनो तुम लोग उठ के तैयार हो जाओ. तुम्हारा वही एहसान है ठीक है? उठ के तैयार हो जाओ. 9 बजे बस आएगी. सबसे पहले तुम दोनों को बिठा दूंगा. याद रखना हमारे खुद साइकिलिंग करके. तुम लोग इस लायक नहीं हो. ये लोग आते हैं बाहर सोने. इन्हें होटल में सोना चाहिए बस हर जगह. चलो भाई तुम लोग सोए नहीं सोए? नालिया तूने तेल लगाया बालों में? जब मैं कल मांग रहा था तो था नहीं. तो क्या ये हेयर वैक्स है? अच्छा हेयर वैक्स है भाई. मेरे बाल रुके रुके सो रहे. मैं सबसे मांगता फिर रहा था कल. रोहित भाव तो देता ही नहीं यार. रुके नीतू को आने देते. उसे बहुत दिनों से मिला नहीं है ना. किसको? रोहित को. क्यों? किसी होटल में गया नहीं था वहाँ से. आए है रोहित भाई ये बदनामी हो रही है. ऐसे नहीं मैं नहीं सहता इतने. होटल वाले हमारे ब्लॉग देखते हैं. हाँ होटल. तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं? हुआ एक आध बार अभी नहीं हुआ? वैसे पानी वैसा ही है ना जैसे हमारे यहाँ नदियों में आता है. एक डैम से आता है. ये वाला डैम से आ रहा है? तूने कहाँ पता करी सारी चीजें? मैं मैप पर देखा. अच्छा नीतू आ गई अपनी बारबी ड्रेस में. और ये दोनों को तो उठाना भूल ही गई तू है ना? मैंने उठाया रूम में जाके उठाया यार. इनका उठाना पता क्या होता है? मुंह पे ठंडा पानी मारो या बेड से उठा के ऐसे शेक कर दो इनको पूरा. तो उठ सकती है ये. हमें ऊपर जाना है. अब जहाँ से हम आए थे उधर ही जाना है. वहीं पर साइकिल है. और फिर आके ब्रेकफास्ट करेंगे नहाएंगे सीधा निकलेंगे ठीक है? भाई चेन तो नहीं खुल रही बैग की? नहीं. कुछ सामान गिर जाए कहीं? पानी इतना क्या? ये नहीं तो किनारे पे हैं हम. कह रही पानी इतना ज्यादा नहीं है. देखो लोगों ने सिगरेट पी पे क्या कर रखा है. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. मत पीना यार. खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल एकदम. वर्कआउट तो हो गया हमारा. पिंक कलर की टैक्सी. वर्कआउट नहीं हो गया. ये साइकिल इनमें से निकाल लेते हैं.
ये तो बहुत हल्की साइकिल है यार। ओके गियर वाली है, वो बहुत हल्के गियर डल रहे थे इसमें, अभी मैंने चेंज कर लिया है। ये बहुत पतले टायर है यार मेरी साइकिल के। रुक ना रोहित भाई, साइकिल दूसरी दे दे यार। रुक जा नहीं तू, ये लेडीज साइकिल है, इसको रख दे यार। देखो कितने पतले टायर हैं इसके, देख। मैंने साइकिल एक्सचेंज कर लिया है, इसमें हवा भी नहीं है। हाँ तो रख दे रहे इसको, मैं कहता हूँ कुछ लोचा है इसमें। अभी आई अच्छी वाली साइकिल मेरे पास। नीतू कहाँ पहुँच गया अकेले अकेले? नीतू रुक जा। ओ इसमें आ रहा है मजा इस वाली साइकिल पे। अगर मैं गिरता हूँ तो व्लॉगिंग के लिए होगा ये सब, मतलब व्लॉगिंग की वजह से। अच्छा बहुत मजा आ रहा है यार। नीतू ये देख कैसी जगह है, पहाड़। हम सुबह सुबह ही आए हैं, हम लोग 7 बजे आए ना, और सुबह ना था। मैं 4:30 से उठी हूँ। तो मैं थाईलैंड में चला रहा हूँ साइकिल, और देख सकते हो मैम और से आगे निकल गए, तुषार भी आगे निकल गए। मजा आ रहा है यार सुबह सुबह साइकिल कर रहा, ये तो हम घर भी कर सकते हैं। चढ़ाई आ गई, वो तो चढ़ भी नहीं रही यार, बहुत हैवी है बाइक। तुम कुछ करते हो ना वर्कआउट? मेरी वाली टाइट है शायद। क्या हुआ? अगर हम लॉस्ट हो गए तो? तो मैं अभी ज्ञान दे रहा था पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा, वही करना है। खो गए तो एम्बेसी ढूंढना है अपनी। राइट राज पे आ गए हम। ढलान पर दे बिना कुछ करे आगे आ गए, जैसे कल बोटिंग कर रहे थे उस तरह से। वो लोग कितना पीछे रह गए। आ जा नीतू, मजा आ रहा है यार। यस नीतू रोहित तरह तरह की आवाजें कर रहे हैं, क्लास में बच्चे नहीं करते, अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं, ऐसी निकाल रहा है। यस नीतू। गाइस सामने एक बुद्धा स्टैचू है, बहुत सुंदर। नहीं रिजॉर्ट है, यहाँ लिख रहा है ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, तो इधर नहीं जा सकते हम। चलो तो इधर आप देख सकते हो, ये वो स्टैचू है जो मैं बता रहा था आपको। इसमें एर्थ गेट लगा हुआ था इसीलिए बहुत हार्ड हो रखी थी। वाह कितना पीस है यहाँ पे यार। क्या हुआ? तो तुषार से लिया मैंने 360 कैम, अब इसके कुछ फुटेजेस निकालते हैं। ले भाई सायरन, जैसे ट्रेन आई हो, जैसे ट्रेन आई हो। कैसे रुके सब लोग? काफी टाइम से आ गए हम लोग वापस। अरे मजा आ गया, ऐसा लग रहा है पूरी वर्कआउट हो गया। वर्कआउट असली वाली यहाँ होगी। यहाँ पर चढ़ते टाइम तो क्या चढ़ते टाइम हो? कितनी स्टेयर्स हैं यहाँ पे पता तुम्हें? गिनते हैं 504। चलो काउंट कर रहे हो? हाँ काउंट कर रहे हो ना? चलो 11। तो मैं तो काउंट नहीं कर रही क्योंकि मैं हमेशा अपनी काउंटिंग भूल जाती हूँ, तो लोग खुद को ही करने देते हैं। हाँ भाई तुषार कैसा लगा साइकिलिंग करके? काफी टाइम बाद वर्कआउट किया तुमने। रोहित क्या गिर गया? टूट गया। हाँ अभी रोको पैसे चार्ज करेंगे तुम लोगों से। लखन तो काउंटिंग करते हुए चल रहा है लेकिन मेरी बस की रही है, जुकाम सा लग रहा है। लखन कितना है? लखन को बोलना मना। कितना? 62। कितनी काउंटिंग हुई तुम्हारी? 88। डोंट लाए हाँ, इसको भी मत काउंट करना, ये नॉर्मल सब ब्रिज है। 92। अच्छा आगे हम लोग अपने रिजॉर्ट वापस। अब बस मैं तो नहा लूं, पैकिंग पूरा कर ली पूरी। ब्रेकफास्ट बना के करोगे? हाँ गुड। पहले सुन लीजिए पूनम दीदी के रूम में जाके देखेंगे वो दोनों कर क्या रही हैं, नहाई भी हैं या नहीं या फिर हमारा वेट कर रही हैं। उनको लग रहा होगा हम लेट हो जाएंगे या कुछ ऐसा लग रहा होगा उनको, पक्का है ना? कुछ नहीं लग रहा होगा, वो मजे में। उनका रूम नंबर क्या है? 8A। कितना सुकून है पता है, आज मैं मेडिटेशन करी इतने सुकून में, बहुत सुकून मिला, तुम्हें भी करनी चाहिए थी। यही तो है आना। 8A। गुड मॉर्निंग सुन दीदी, नहा रही है? कैसा रहा एक्सपीरियंस? It was amazing, seriously. क्यों हंस रहे हो तो ना? हम अभी यही बात करते हैं, एक दूसरे को एंटर होगी। नहीं भगवान का तो अच्छा था यार। नहीं अच्छा था दीदी, सच में अच्छा था। ये लोग ये बात कर रहे होंगे दोनों गए हैं बोर होंगे ये होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम बस ये बात कर रहे थे आते इतनी ज्यादा एक की चाल बताएंगे। ओ ये हमारे पास तो वो भी क्या होता है बर्ड्स भी आकर इधर बैठ कर साइकिलिंग कर रहे हैं। शट अप। डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी? यस। नहालो जाके चलो नहाओ जल्दी जल्दी। मैं नहा ली रेडी भी हो गई, मैं कपड़े भी पैक है, बस मैं अपनी येलो ड्रेस पहनूंगी इस पिंक को चेंज करके। मैं बारबी लग रही हूँ ना? लग रही हूँ। पिंक नेल्स पिंक ड्रेस ले जा। ये मेरी ड्रेस तुझे ही पहननी, बुनिया पहनू। चलो ले जाती हूँ बाय। ये लोग इतना चालू है, जब इनको ड्रेस चाहिए थी तो ले ली और अब कहते हैं कि ले जा वापस, जगह नहीं है बैग में, क्योंकि ये लोग बहुत कम ड्रेसेस लेकर। मेरे पास 22 ड्रेसेस हैं।
पूरी, मतलब जीन्स को हटा के जो ड्रेसेस होती है 22 ड्रेसेस लेकर आई हूँ मैं। देखते हैं लखन। हाँ रोहित, क्या हुआ? लखन नहाने गए नहीं गए? गए, अभी गए। अच्छा चलो देखते हैं। लखन वेयर आर यू? ये मेरा बैग है जो कि पैक हो चुका है। ये लखन का बैग इतना मैसेज है। लखन, लखन आई वाज सर्चिंग यू। नहीं उठी है दोनों? दोनों उठ गई बट नहीं कोई नहीं, और हमारी मजाक और बना रही है। क्या कहती है? हमें पता था तुम दो की चार लगा के बोलोगे अच्छा था ये था वो था। इट वॉज नाइस ना लखन। पहले यहाँ पर हमारे कपड़े सूख चुके हैं जो कि मैंने कल रात में वॉश किए थे। तुम्हारे साथ के साथ कपड़े धुलना कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। सो गाइज, हम लोग साइकिलिंग करके आ गए हैं। मैं रूम में बैठी हूँ, मेरी पैकिंग हो गई है, मैं नहा ली, बस मुझे अपने कपड़े चेंज करने, इस ड्रेस में एक वीडियो बना के। उससे पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी। जो हमारा पासपोर्ट खोया था, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतू बहुत इरेस्पॉन्सिबल है, उसको ये वो। तो इट्स जस्ट अ लाइफ का पार्ट। अगर आपसे कुछ खोता है या कुछ रह जाता है तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो मिल जाएगा। अगर नहीं, अगर खोया है तो मिल जाएगा। और ये हर एक इंसान से होता है, चाहे वो कितना भी आई थिंक वो कितना भी सिंसेयर हो, कितना भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखता हो, ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। सेकंड कमेंट बहुत ही प्यारा आया है। वेल, हमारा जो व्लॉग है वो ट्रेंड पर आ रहा है दो दिन से, तो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं और स्नैप पर भी मुझे सब बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए थाईलैंड के व्लॉग को। बाकी यार बड़ा मज़ा आ रहा है कमेंट्स पढ़ने में। किसी ने लिखा है कीर्ति दीदी के व्लॉग देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लखन और नीतू के देखकर भी आती है, लेकिन वो कनाडा से हैं जिन्होंने कमेंट लिखा है। लेकिन कीर्ति दीदी का देखकर ना बड़ा मजा आता है। तो दीदी आप रेगुलर हो जाओ। वेल, बहुत अच्छा लगा सुन के, हम भी दीदी को बोलते हैं रेगुलर हो जाओ। बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे कि पानी में मैंने बहुत उल्टी सीधी हरकतें करी। सो गाइस, इट वाज अ फन थिंग फॉर मी, फॉर एवरीबडी ऑल्सो, बिकॉज हम लोग चाहते थे कि, एंड मैं चाहती थी कि मैं स्विम करूं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी तेज वेव्स आ रही हैं वो। तो बट मैं गई कहाँ थी यार, वो मेरी साइड से तो मजाक था, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। और मुझे ना ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो होम टाउन है उत्तराखंड में, हम लोग ऐसी स्विमिंग करते थे, वो पानी ऐसे 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 बहता था, तो बस मन कर रहा था ऐसे स्विमिंग करने का। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। फाइनली अपने गर्मी वाले कपड़े निकाल दिए मैंने। ये टी शर्ट मैं गर्मी में पहनता था पिछले साल लेकर आया था। ऐसी दो है मेरे पास, एक ये है, एक व्हाइट कलर में, सेम एज इट इज। मेरे को बहुत कूल लगती है वाली। देखो मैंने पैक पैक, नीतू भी ऑलरेडी करके चली गई ऑलमोस्ट अपना, मैंने तो एक बैग पैक करके रख ही दिया उधर। अब बस नीतू की बारी है, ब्रेकफास्ट करके आते हैं। यार पहले मुझे लग रहा था स्ट्रॉबेरी शेक होगा ये, बट नो। कल ये वाला काउंटर नहीं खुला था ना, ये सब ये आज ही खुला ना। कल था नहीं यार, ये न्यूट्रेला नहीं होता, न्यूटेला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूटेला। मुझे बता रही है ब्रेड स्टिक भी है और न्यूट्रेला भी है। ओके ट्रेला, इसमें शुगर नहीं है? अब तो शुगर खाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। गाइस सच्ची में यहाँ पे खाने के ऑप्शंस नहीं है, आप लोग देखो बस ब्रेड हो जाए, बाकी सब पॉर्क और पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है भाई यहाँ पे। अरे ये सब तो तू खा लेते, मैं नहीं खाता भाई, मैं नहीं रहा लंदन में। और एक चीज आप देखो ये क्या है पता है? ये देखो इस पे लिख रखा है ड्राई फ्रूट्स। ये तो हमारे यहाँ सॉफ्टी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डाल देते हैं, जिसको ड्राई फ्रूट बता रखा है उन्होंने। कौन सी शक्ति है इसमें बताओ? यहाँ पर फिश फूड है जो कि 20 भात में है, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। हमने ले लिया और अब हम फिश को फीड करेंगे, फिश को खाना देंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी फिश है। ये खाना पता नहीं किसका था, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ था तो मैंने दे दिया इनको। आप दो पहले। यस यार, कितनी प्यारी साउंड आती है ना ऐसे। दीदी नाउ इट्स माय टर्न, अब मैं भी देती हूँ फिश को खाना। और लखन वगैरह सब चेकआउट कर रहे हैं, चेकआउट करके मैं फटाफट यहाँ से निकलना है बैंकॉक वापस। गाइस अभी कहानी में ट्विस्ट है, हम सोच रहे थे कि यहाँ से हम कैसे जाएंगे, अभी पता चला क्योंकि लगेज इतना सारा है और आपने देखा कितने सारे स्टेप्स हमें चल के जाना पड़ता है, तो हमें बोट से जाना है पहले। इन्होंने बोला बोट से हमें जाना है, यहाँ से 10 मिनट दूर है, और उसके बाद जाके हम वो जो टैक्सी वाले भैया है वो वहाँ पर आए हुए हैं, सारा लगेज हमारा बोट में चलवा देंगे, जस्ट बिकॉज लगेज वहाँ तक चढ़ पाना इम्पॉसिबल है यार भाई। उधर उधर ना एक बोट है और एक बंदा तैर रहा है यार लाइफ जैकेट के साथ, मजा आ रहा है देख के। सो यहाँ पर आगे रिसेप्शन एंड टॉयलेट, और अभी तक मुझे अपना रूम नंबर याद नहीं हुआ है, दो दिन हो गए रहते रहते। बैग पैक कर दिया तुमने मेरा? नक्सल लॉक करना था बैग को, तो मैंने तो इनको भेज भी दिया तेरे रूम में। मैं तो मजे से बैठ के अपना व्लॉग देख रहा हूँ भाई, मजा आता है अपने व्लॉग देखने में सच्ची है। ठीक है वो तो, लेकिन प्लीज जाओ, तुम ही तो पैक करते हो हमेशा मेरे बैग। चल मेरे साथ चल, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं। फाइनल राउंड लगा दे रूम का, बस कुछ सामान रह जाए, इसलिए जाना रिस्क नहीं लेना। बोट से हम लोग जाएंगे, 10 मिनट दूर है, वहाँ पे टैक्सी खड़ी है। अच्छा हमें यहाँ से नहीं जाना? फाइनल कॉल। यस, मजा आ रहा है ट्रिप पे। सच्ची बहुत ज्यादा मेरे साथ मजा आ रहा है ट्रिप पर, मजा आ रहा है। कैसा सवाल पूछ लिया तूने, इस सवाल के दोनों तरफ लड़ाई है। कैसे दूसरी तरफ? तो लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि ट्रिप को तुम थोड़े अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम मुझे कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, तो मेरे साथ मजा आ रहा है? बहुत, तेरे साथ ही आ रहा है बस, मुझे तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ मजा। टाइम आ गया है एंड इधर रोहित और तुषार का विला, ये था हमारा, और ये था सोनी दीदी और पूनम दीदी का। देखो कैसे झूले झूलते हैं अपने आप ही, किसी को पता नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो रहा, तो लोगों को लगेगा भूत है, देख रहे हो अपने आप ही। और ये लकड़ियां जा रही हैं यहाँ से, हमारी बोट भी आने वाली है बस 2 मिनट में। ठीक है, तो मुझे अपने बैग्स खुद लेके जाने हैं, बिकॉज क्या
अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना लक्ष्य? मेरा ये बड़ा सा बैग दोनों लेके जाऊं मैं? नहीं ले जा पाएगी। तुम क्या समझते हो मुझे, क्यों नहीं लेके जा पाऊंगी मैं? नहीं तू मान जा, शांत हो जा अभी। वरना गाइस अगर थाईलैंड आ रहे हो और इस जगह पर नहीं रुकोगे तो आपका आना वेस्ट है। सच में इस जगह, ये जगह कुछ अलग ही है, मतलब पार्टी टाइप नहीं है। जिनको पार्टी करना पसंद है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, जो हमारी तरह मेरी और लखन की तरह वो अच्छे रह सकते हैं। लखन बैग पैक कर रहे हैं तो मेरे लखन का माइंड जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे रखती है सोटा यार? लगेज लेने के लिए भाई आ गए। नीतू आ जा, आ गए लगेज के लिए भैया। तो यहाँ पर हमारा लगेज, लो चले। चलो हमारा लगेज आ गया है, अब जा रहा है। हाय, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट इज दिस? ओके ओके, बट यू लुक रियली क्यूट। ए तू ही लड़कियां छेड़ रही है यहाँ पे? वो बहुत क्यूट लग रही है। तुम्हारा रूम कम काल कोठरी ज्यादा लग रहा है, अंधेरा। कहाँ हो तुम लोग? जा रही हूँ, चल रही हूँ। चलो नहीं तो आ जाए यार। कौन ये तो ऐसी करती है भाई? मैंने देख लिया था पर बात ऐसे घुमा देगी कि गलती तुम्हारी हो जाएगी, एंड में देख लेना। नहीं चाहिए। अरे आ जाओ यार, चलो भाई, बोट आ गई अपनी। चलो लेट क्यों करती हो यार हर जगह? ओके मुझे बता तो दे कम से कम। चलो पानी भाई कितने का दिया उन्होंने? 100 रुपए। मतलब यहाँ के कितने थे? 30 बाट। हमारे यहाँ के हुए करीब करीब 75। चल दीदी बैठ जा। तो हम पहुंच गए जहाँ से हमें टैक्सी मिलने वाली है। यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेट्स गो। कुत्ता कहाँ? हाँ ले गया बेटी। हेलो। तो अपने को सामान वहाँ तक लेके जाना है, उधर वैन अपना वेट कर रही है। थोड़ा डेंजर सा लग रहा है रास्ता। रुक जा, तू ये पकड़ ले, कैमरा पकड़ ले। मैं हाँ चलना। तो तुषार मुझे वाला बैग दे दो। अरे भैया मुझे तो सब बड़े बड़े बैग दे रहे हैं, जाओ रोहित। नहीं नहीं चलना तुम यार, यहाँ पर एक कुत्ता मेरा मन कर रहा है, बस बस बैठी रहूँ। फिर मस्त बैठा है। ये बैग रहता है, ये खाना लेकर रहते हैं हल्दीराम वाला, वो तो खाने में रहते हैं कड़ी चावल। तो बताऊँ तो बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ से वहाँ तक बैग लेके जाना। सॉरी गाइस, तुम लोगों को करना पड़ेगा। सुन रही देखो कैसे बन रही है, काम करती हूँ। बाय बाय टॉमी, बाय। अरे बैग चलेंगे भाई वाह, तुषार की किताब देनी पड़ेगी, दोनों बैग को लेके जा रहा है। हो गया सब भाई, कैमरे तुम लोग भूल गए थे। भूलने गए थे रखे। थैंक्स टू मी गाइस, वरना भी तुम रो रहे होते। अभी कम चले गए यहाँ से जो रो रहा होता मैं। ये देखना मेरे सामान के ऊपर सोनी दीदी का सामान। दीदी बहुत बच्चे हैं पर यहाँ पर लोग अपनी कार्स भी लेकर आए हैं। चलो भाई बाय बाय। तो यहाँ पर सामान रखा जा रहा है सारा। यस गाइस, एक्साइटेड एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज़ इनकी बैटरी बीत गई है सामान उठा के। बिकॉज आज हम लोग इंडियन फूड खाने वाले हैं, जिसके लिए लखन और दीदी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो चल खा लेती हूं। तो तू मत खाइयो, तुझे मैं यहीं का खिलाऊंगा। हम इंडियन खाएंगे, ये नहीं खाएगी, ठीक है? आपके सामने की बात है, आप देख लो। हम तो गाइस हमें चले हुए 1 घंटा हो गया है यहाँ पे, इन दोनों को हगोड़ों को रुकना है। चलो भाई हम कुछ खा लेते हैं अपने। हाँ यार वहाँ से करके नहीं चलते, फिर रास्ते में रुकवा लेते हैं। अच्छा इनके बहाने गाड़ी रुक गई, मैं भी कुछ खा लेता हूँ, यहाँ भूख तो लग रही थी मेरे को, बट हिम्मत नहीं थी वरना सब लोग मुझे डांटते। ए चाइनीज ढाबा? नहीं नहीं सॉरी, थाईलैंड का ढाबा है ये तो। यहाँ पे कैफे है, बट यहाँ के कैफे में भी तो कुछ नहीं मिलता भाई। कॉफी तो बहुत ही अजीब है यहाँ, हमारे इंडिया वाले मीठी कॉफी नहीं मिलती, कड़वी 24/7 है। ओह भाई यहाँ तो गोला मिल रहा है, गोला। अच्छा नहीं नहीं फ्रूट्स हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है बर्फ के ऊपर। मुझे लगा गोले का हिसाब किताब है, यहाँ भी 24/7 पर ही लेना पड़ेगा कुछ। यार ये ठीक सिस्टम लगा मेरे को, आइस टी वगैरह सब है यहाँ पे, कुछ भी निकाल दो। ये कोल्ड कॉफ़ी होगी शायद, ये क्या है? अरे अच्छा ये भी कॉफ़ी है अरेबिका, बट मैं ये लूँगा चोको बूम। देख मैंने क्या देखा, पिकल मैंगो है ये, ये देख ये लिख रहा ना पिकल मैंगो, ये खा के देखो कैसे है। नहीं नहीं मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती खाने के साथ। ये तो लेगी ना कुछ शेक वगैरह, प्रोटीन, कल तो प्रोटीन नहीं पिया तो मत खा। तो आफ्टर अ क्विक ब्रेक अब हम दोबारा चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब सीधा हम रुकेंगे जाके बैंकॉक। बहुत सारा सामान ले लिया, वैसे माल मसाला काफी है अब अपने पास। केले अलग अलग मिलते हैं, वो देख के मुझे बड़ी हंसी आई, एक एक केला अलग दिया उसके बाद भी सड़ा हुआ। देखियो देखो ये देखो क्या फायदा।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, मैंने एक नैपकिन ले लिया, कितनी खुश है लड़कियों की अपनी अलग प्रायोरिटी रहती है, कहीं आके मेकअप की शॉपिंग, कुछ ब्यूटी का कराना है, क्या कराएगी और प्लास्टिक की हो जाएगी थोड़े टाइम में, इतना मत करा क्यों? क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ इसलिए। मैं बॉस, आई एम द बॉस। अब यहाँ पे बहुत सारे कीर्ति सपोर्टर्स आएंगे कि मैं उसको ओवर पावर कर रहा हूँ, और ये इन चीजों पर खुश हो जाएगी। देखो तुम अपने होटल में आ गया, मैं पता क्या चलो ही करता हूँ, होटल में जाती सिक्योरिटी मनी जमा होता है, वो दीदी या पूनम मैन से जमा करवा देते हैं, उसका होटल में जो भी होटल कॉम्प्लीमेंट्री सब खा पी जाते हैं, उसमें से एडजस्ट हो जाते हैं। तो सही है भाई, थोड़ी बहुत चला की होनी चाहिए अपने अंदर। बट ये होटल बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है चाइनीज थीम पे, देखो नहीं जापानीज थीम का होटल है यार। यहाँ मैंने देखा भी जापानीज बुफे भी है नीचे, ये देखो सुंदर लग रहा है ना, उस साइड जापानीज बुफे है पूरा। पता है नहीं कि जापानीज बुफे में हम लोग इंटरेस्टेड होंगे नहीं, क्योंकि हमें इस टाइम भूख लगी इंडियन खाने की यार, भूख नहीं मिटती इंडियन खाने के बिना। देखो हमारी दीदी को सारी जिम्मेदारी दी है मैंने, हो गया बहन सब, सब हो गया यार, सिक्योरिटी मनी कर दी तूने डिपॉजिट, गुड यार, अच्छी बच्ची है तू। अपने रूम्स मिल गए, ओ यहाँ आओ, यहाँ सुनो 90th फ्लोर पे जाना है अपने को, इन्होंने बताया पूरा वो जापानीज थीम का रेस्टोरेंट, वी डोंट ईट बट इंडियन तो काफ़ी है ना यहाँ पे, वहाँ की तरह थोड़ी, वो तो हम गांव में थे ना, मतलब यहाँ वाले, तो इसलिए अपने को नहीं मिला, यहाँ ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ए यार इसको लगा कैसा लगता है, गर्दन में वो नचका नहीं आ जाता लोगों के, वो लग घूमते हैं। अब तो हो गया ट्रैवल भाई, तो ये जापान में आ चुके हैं हम लोग, जापानीज होटल जापान गाइस, हम लोग हल्दीराम लेकर आए हैं जापान में भी। क्या लिखा है भाई, रोहित को जापानीज पढ़नी आती है, नीतू रोहित को जापानीज पढ़नी आती है, बता क्या लिखा है, वेलकम लखनी, वेलकम लखनी, हम अप्सरा भी लेकर आए हैं, हाँ, और एक हम चांद का टुकड़ा भी लेकर आए हैं, कहाँ है वो चांद का टुकड़ा, ये रहा सूरज का टुकड़ा, कौन सूरज का टुकड़ा, नहीं ये वो है, ये है जुपिटर का टुकड़ा, इतनी मोटी होती जा रही है, ये नहीं कि खाना कम करूँ, पिज्जा भी खाना, पास्ता भी खाना, सब भाई खाना था ही नहीं था, और यहाँ के इंडियन फूड और पूछ रही है हमसे। मैंने क्या पूछा, पता क्या कह रही है, इंडियन फूड है नॉट है ऐसे पूछ रही है, फिर उसने हिंदी में इसको जब बका चुप चली जाए उसे, तब आइए कम ऑन नीतू चलो ले, देखते हैं अब रूम कैसा है हमारा। सो गाइज ये है हमारा रूम, ये है हमारा बाथरूम, इस टब का मैं पता नहीं यूज़ कर पाऊँगा या नहीं, हर बार ऐसे ही सोचता हूँ, मत हो नहीं पाता, और दिस इज़ आवर रूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। नहीं तो ये अपने को कितने का पड़ा, सारी डिटेल बताते रहेंगे ना लोगों को साथ के साथ, 6 ये तो रूम नंबर बता रही है, इसका पूरा 1,50,000 का पड़ा है, दो दिन का और 3 रूम है, मतलब अब आप डिवाइड कर लो यार, इतनी तगड़ी मैथ नहीं है मेरी। अच्छा रूम नंबर क्या है, ऐसी फील आ रही है जिम के लिए जा रहा हूँ, ये बैग, ये देखो ये बैग कीर्ति दीदी का है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारा सामान आ गया, कैमरा भी आ जाएगा, तो ट्रैवल के लिए अच्छा लग रहा है मेरे, कोई ऑप्शन नहीं तो पहले कुछ इंडियन फूड खाएंगे, कोई रेस्टोरेंट ढूंढ ले यार। भाई यहाँ का पहला एक्सपीरियंस तेरा कायदे में अब होने वाला है, थाईलैंड कहाँ, चलो जिस जगह हम जा रहे हैं वो यहाँ से 600 मीटर है, 600 मीटर चल सकते हैं हम लोग, नहीं अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया यार, कितनी गंदी स्मेल है यार यहाँ पे, नाला है ये, वो किस तरफ जाना है, 600 मीटर 600 मीटर जाना है, लेकिन किस तरफ जाना है, बताओ भाई यहाँ वाले सिम किस पे है, अच्छा अच्छा इधर चलना, इधर आओ बहन, अभी भी 600 मीटर है, कुछ कम हुए, ये तो 800 हो गया, अब 200 मीटर कैसे बढ़ गए, 11 मिनट हो गया। नीतू सुन ना, पीछे एक टुकटुक है, वो लिया बस तू, वो लिया उसको लिया, देख पूनम देख उससे बात करने से पहले उस पर बैठ गई टुकटुक में, चलो बंदा मना कर दे, बैठ जाएंगे इसमें यार, दिल में जगह होनी चाहिए। यहाँ चारों तरफ मसाज सेंटर्स ही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग का है स्टेशन, मेरे साथ रहोगे तो ऐसी मौज करोगे, ऐसी धूप में चलवाऊंगा तुम्हें, और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलो कंजी थोड़ा आगे चल, इतना देर चलने के बाद फाइनली कुछ उम्मीद की किरण आई है, दीदी ने बताया इधर ही है, इसके लिए इतने चल के आए हम, देखते हैं फूड कैसा है। तो आते ही हमने सबसे पहले पापड़ खाना स्टार्ट कर दिया, इतने ज़्यादा भूखे इंडियन खाने के, हम 2 दाल मखनी 2 कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दिए सबके लिए, आई होप कि पूरा बैठ जाएगा खाना, वरना और कुछ ऑर्डर करेंगे, अच्छा लग रहा है बहुत। देखो इन्होंने क्या कलाकारी की है, यहाँ थाई बाट में प्राइस लिख रहा था, इन्होंने कन्वर्ट कर करके इंडियन में लिख दिया उसको, मैंने नहीं, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ मैं, वाह पूनम बहन यहाँ भी पानी पूरी ऑर्डर कर दी, मानना पड़ेगा, ले समझ नहीं आ रहा मुझे, खुशी के मारे, खाना आ गया। नीतू यहाँ से कैसे जाना है अपने को, टैक्सी? तो भाई अपने को बहुत दिक्कत हो रही है टैक्सी ढूंढने में, यहाँ पर ऊबर काम नहीं कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड एकदम, और टैक्सी वाले यार उल्टे सीधे रेट मांग रहे हैं, टैक्सी वाले ने मांगे फिर भी 300 बाट, यहाँ से आधा घंटा दूर है वो जगह, 10 किलोमीटर दूर है, और जो ये जो टुक टुक वाले बैटरी वाले रिक्शा वो मांग रहा है 400 बाट, कह रहा नेचुरल AC, बहुत बढ़िया भाई। बैठ गए हम लोग टैक्सी में, दे दो मुझे वापस पावर बैंक,
और लखन, रोहित, तुषार अभी ढूंढ रहे हैं अपने टैक्सी, पर मुश्किल है यार टैक्सी ढूंढना बाहर के कंट्री में। और ये हमारा दोस्त आज का। यहाँ पर फ्राइडे है इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, ऐसा भैया ने बताया है। फाइनली अपने को टैक्सी मिल गई एक, लेट्स गो। क्या कह रहा, लंबे खंबे आ जा। भाई हम लोग उनसे 10 मिनट बाद में चले थे और 5 मिनट पहले आ गए, अब उनको यहाँ ढूंढना अपने आप में टास्क है यार। तो हम लोग उन सब का वेट कर रहे हैं और ये जगह तो ऐसा लग रहा है पूरा फोटो शूट के लिए बनाई गई है। देखो कितने लोग आके यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं अपने। नीचे से हम ट्रैफिक देख सकते हैं, यहीं कहीं फंसे हुए हैं वो तीनों भी। भाई सच बता रहा हूँ, बैंकॉक के सिटी में मजा आ रहा है। आप पीछे देख सकते हो ये सारे मॉल्स है, यहाँ एक मॉल, यहाँ एक मॉल, सारे मॉल ही मॉल है। नो मनी नो हनी, गुड बॉय गोज टू बैंकॉक। यार मेरे हाथ में ये निकल गई, इसको चट निकलना बोलते हैं ना। पिछली बार जब निकली तो आप लोगों में से कुछ ने मैसेज किया था कि तांबे का छल्ला पहनूं, उससे नहीं होगा। क्या बस सच है, आप लोग मुझसे मजाक कर रहे थे? तो भाई हम उतर तो गए, लेकिन हमें जाना कहाँ है हमें ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि कुछ लोकेशन सेंड कर दी है। फाइनली हमें दिख गई है, इनके जो टैक्सी वाले भाई थे उन्होंने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ दिया इन्हें, और वो भी 500 मीटर पहले, 500 मीटर चल के आ रहे हैं वहाँ से, आधा किलोमीटर। आ जाओ महारानियों, मज़ा आया। हमसे पहले चले हुए हो तुम लोग और हम आधे घंटे पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे। देख ये है वो जगह, ये सेंटर है, यहाँ से 3 मॉल हैं बराबर बराबर में। मैं यहाँ बुला रहा था तुम लोगों को, समझ गई? ये कौन सी जगह है आगे, याद है कौन सी जगह है? यहाँ से ये एक मॉल ये रहा, दूसरा वो रहा, तीसरा ये रहा। कहाँ उतार दिया तुम लोगों को तो? और सुनो तुम लोग आए भी उल्टी डायरेक्शन से, हमारा कैब वाले इस डायरेक्शन से लाया, हमें छोड़ भी दिया। डायरेक्शन से क्या, वहाँ भी छोड़ कर आया हमें। अच्छा गुड। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थकान मिटाने के लिए आ गया था, टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा। एक मैंने शूज लिए यहाँ से और थकान और ज्यादा हो गई घूम घूम के। बहुत स्टूपिड डिसीजन लेता हूँ भाई मैं लाइफ में। अच्छा खासा बैठा हुआ था क्योंकि नीतू की और दीदी की, इन लोगों की कुछ शॉपिंग चल रही थी बैंकॉक में, बट आई रिग्रेट माई डिसीजन नाउ। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजूबा सी लिपस्टिक दिखी है, सुंदर लग रही है इसीलिए और सुंदर है। भाई इस टाइम आए हुए हम सियाम पैरागोन में और भाई हालत ऐसी हो गई है ना, घूम घूम के पीछे पीछे। यहाँ हमारे मतलब तो कोई सामान नहीं है, सिर्फ मेकअप मेकअप। मेरे को ढूंढने नीतू आई है, जिसको खुद को रास्ते याद नहीं होते, गजब बेइज्जती है। और सच्ची बात है, तूने मेरे को ढूंढ भी लिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे को ढूंढ पाएगी। शॉपिंग करके गए। अच्छा सब लोग कहाँ पर है? मैंने सुना है तूने दीदी को एक चप्पल गिफ्ट कर दी उसकी, हर्मेस की। तो क्या हुआ, कितने की? एक्सपेंसिव बता देना, बता से, क्योंकि मुझे पता है काफी टाइम से इंडिया विंडिया में नहीं मिली ना उसको, हमने दुबई में भी ढूंढी थी वहाँ भी नहीं मिली थी, यूएस में भी। 34 साइज है उनका ना, वो छोटा साइज है। कितने का पड़ा? अराउंड 80। ओहो यही खड़ी हमारी पूरी टोली। नीतू यार मेरे पैर दुख गए, दबा दू? नहीं दबा मत, बस मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए यार। नीतू यार मसाज करने दे यार, मसाज करवाएंगे चल। तुम करवाना, मुझे नहीं यार, सब कराएंगे। कहाँ चलना है, कुछ खा लो अब तुम लोग। ये इंडियन है? नहीं तो फिर हाँ मैक्सिकन। अरे साक्षी जी ने खिलाया था वही वाला है। बट आई डिड नॉट लाइक दैट यार, मुझे तो पसंद आया था भाई। इसकी इंग्लिश खत्म करो यार। ओके आई विल हैव द सूप। यहाँ पर आके मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही हूँ। यस बोल, तूने हिंदी बोला है? पूनम बहन यहाँ का मैगी ट्राई करके आओ। मैं बोल तो रही हूँ मुझे वीगन बर्गर खाना है। एक भी वेज मिल जाएगा, वीगन बर्गर है ये तो बोल रही थी। बर्गर किंग का मिलता है वो भी से, या कुछ भी नहीं। यहाँ खाना तो पसंद किसी को भी नहीं आया, तेरे को आया पसंद? हम बर्गर किंग जा रहे हैं, वहाँ पे वीगन बर्गर मिलेगा, खाएगी? नहीं। क्या लिया तूने, हरी चटनी के साथ? क्या है ये, हरी चटनी है और क्या है? चलो पूनम बहन अच्छा भी नहीं लग रहा, पीना भी पूरा है। तू चल रही नहीं, तू यहीं रहेगी? तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं होटल पे, थक गया हूँ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा सब लोग अगर चले फुट मसाज के लिए, पूरी टीम साथ में जाएगी, मजा आएगा बहुत। इन भाई को हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है, तो इनके गूगल मैप में हम लोकेशन ही डालेंगे। वैसे सामने उन तीनों गाड़ी चल रही है, हमने कहा भाई आप उनके पीछे पीछे ले लो, बट आई डोंट नो इनको क्या हो रहा है। आगे वाली टैक्सी में वो तीनों महिलाएं हैं। भाई तुम दोनों कैसा लगा यहाँ, आज तुम्हारा बैंकॉक में पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा? कुछ एक्सपीरियंस अच्छा, क्या हटके लगा इंडिया में, हमें क्या डिफरेंस लगा अभी तक यहाँ का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें अलग है और
थोड़ा सा डेवलप भी है, मतलब इंडिया भी डेवलप है इससे भी हमारा, लेकिन यहाँ की चीजें थोड़ी अलग है, मतलब यहाँ का ट्रैफिक वगैरह में अरेंजमेंट सब चीजें अलग है, मतलब ये एक्सपीरियंस करने में मजा आ रहा है। हाँ, सही। और एक चीज क्या है, यहाँ ट्रैफिक रूल तोड़ते नहीं देखा मैंने अभी तक किसी को। जैसे हम जब वहाँ से यहाँ आए थे तो आपने देखा 1 घंटा लग गया हमको आने में, बट ऐसा नहीं है कि साइड में लेन खाली है तो घुसा दी वहाँ पे गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो ये चीज तो मुझे लगता है यार कौन ठीक करेगा, हम ही ठीक करेंगे, हम ही लोग ठीक करेंगे अपने देश की भी ये चीज़ कि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। बिकॉज सबसे गंदे वो लोग लगते हैं जब एक लाइन आ रही होती है ट्रैफिक फाटक या कुछ भी हो, इधर से जाके जो घुसा देते हैं ना राइट से ले जाके बिल्कुल ऐसे घुसा देंगे, उन पर बड़ा गुस्सा आता है भाई मेरे को। ओ, हम लोग सेम टाइम पहुंचे यार, सेम टाइम पहुंचे एकदम हम। यार अभी फील आ रहा है, सी दिस जापानीज रेस्टोरेंट गाइस, सॉरी रेस्टोरेंट कह रहा हूं, होटल। ओ भाई यहां तो बहुत ही भीड़ है, लग रहा है आधा जापान यहीं आ गया। यार रूम अपना काफी ठंडा हो गया है ना, नहीं तू वहाँ एसी की दिक्कत लग रही थी अपने को, यहाँ नहीं है। तो गाइस फाइनली आके मैंने चेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मसाज कराने, पूरी टीम हमारी साथ में। दीदी आ गई गेट पे। अबे ए बिना चाबी कैसे खोला भाई तुमने गेट? खुला हुआ था। अच्छा, मैंने कहा ये कौन सी टेक्निक पता है तुम्हें? नींद उड़ जाए, सब लोग चलते हैं साथ में। यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं और संजीत यहाँ पर सो जाए और तुम सब चले जाओ। नहीं यार, चल चल कंजी, चल कंजी। तो गिफ्ट कैसा लगा तो बता दे यार, अच्छा लगा? अमेजिंग। तो गाइस उन्होंने वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करने दी, आपको पता है वो ब्रांडेड लग्जरी स्टोर्स में नहीं करने देते। पर तेरा बैग कहाँ है? अच्छा तेरे रूम में होगा ना, मैं भी क्या स्टूपिड हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चले मसाज कराने, चलो लेट्स गो। ओके लॉक। दीदी और पूनम बहन का रूम बिल्कुल पास में ही है, वैसे बराबर वाला तो नहीं है। कहाँ है तुम लोगों का रूम? यार दीदी का गिफ्ट दिखाओ। ये ले, पैसे ले पहले तो। थैंक यू यार, थैंक यू मैडम। कहाँ है कीर्ति मैडम? वेयर इज योर शू? शू है, चप्पल है, सिफोरा? ये ऐसा वो दिखा तो यार, निकाल के दिखा, अनबॉक्सिंग दिखाना यार मुझे। कीर्ति का एक और बर्थडे गिफ्ट है क्या ये? बक क्या है इसमें? 3000 वाला? ये तो कुछ भी नहीं लग रही, ये एकदम सिंपल। नीतू कोई और कलर नहीं था क्या? ब्लैक कलर था बट कलर यही अच्छा लग रहा था। दीदी तो इसी के लिए तूने वो यूएस में ढूंढवाया था हमसे, जो यही वाली नहीं मिली थी है, जिसमें लिख भी नहीं रहा कहीं पर एयरबस वगैरह, लोग कैसे पहचानेंगे मतलब? अच्छा ये एच तो बस यही है। गुड यार बहन, सैल्यूट। देख तो ऐसे वाला नहीं, इनको ना एक्चुअली काफी टाइम से चाहिए थी। जब हम लोग यहाँ थे, हम लोग दुबई गए थे, यूएस भी गए थे, तो आते में भी ढूंढ रहे थे, जगह देखा था नहीं मिला, तो अभी मिल रहा था। कंफ्यूजन में थी कि लूं ना लूं, मैंने कहा अरे यार देखो ये बहन, ये तेरा साइज ही है तो यहाँ इसको लड़कियों के इतने छोटे पैर होते हैं अभी। हाँ। तो आप चलते हैं ठीक है, मसाज कराने के लिए। इतनी पतली हो गई, बहुत बहुत दिखी नहीं रहा पेट तेरा, तो कमर दिखी नहीं थी। लोग कह रहे थे मॉल में एक लड़की घूम रही थी बिना पेट की, ये वाला ठीक लग रहा है। चले गाइज, हमें तीनों लड़कों को इधर बिठा दिया है और वो तीनों महिलाएं उधर बैठी है। फ्यू मोमेंट्स लेटर। गाइज कैसा रहा तुम्हारा मसाज सेशन? हाँ भाई बढ़िया, तुम दोनों का? बढ़िया। नींद आई यार? रात में वैसे बैंकॉक बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करना मत भूलना, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।